नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। दरअसल ये राजद समर्थकों की हताशा है कि बार बार सोशल मीडिया पर तेजस्वी की उपस्थिति की कुछ अफवाहें उड़ाई दी जाती हैं। आपको याद होगा वो पोस्ट जिसमें ये लिखा गया था कि तेजस्वी ऑस्ट्रेलिया में कहीं लेक्चर दे रहे हैं, जब वो लोकसभा चुनाव के बाद गायब हो गए थे। अब एक और पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है। हालांकि अपने एक वीडियो में हमने आपको बताया कि तेजस्वी आखिर कहाँ है। तेजस्वी रेवाड़ी में है, अपने जीजा जी चिरंजीवी राव का नॉमिनेशन भरवाने उनके साथ गए थे, पटना में नहीं है। मगर ताज़ा अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर आरजेडी और आरजेडी से जुड़े ग्रुप्स में एक ग्राफिक्स फोटो शेयर हो रहा है, जिसमें यह लिखा गया है कि पटना के बाढ़ पीड़ितों को तेजस्वी ने दिए 2 करोड़, पप्पू यादव ने दिए 1 करोड़ और खेसारी लाल यादव ने दिए 15 लाख। तो जब यह फोटो, ग्राफिक्स वाला फोटो, बहुत ज़्यादा शेयर होने लगा, हालांकि हमें इस बात का एहसास था कि तेजस्वी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, नहीं तो उनके ट्विटर हैंडल पर पहले पोस्ट हो जाता। तो हमने सोचा कि थोड़ा पड़ताल कर ही लेते हैं कि आखिर किन्हें दिया गया यह पैसा। तेजस्वी का की बातचीत की खबर, तेजस्वी के किसी को पैसे देने की खबर या बाढ़ राहत कोष में पैसे देने की खबर का प्रमाण हमें तो कहीं नहीं मिल पाया। अगर किसी के पास हो या स्वयं तेजस्वी यादव के पास हो तो वो दे दे, लेकिन तेजस्वी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये बस समर्थकों के उत्साह वर्धन के लिए कुछ समर्थकों द्वारा ही बनाया गया एक फेसबुक पोस्ट मात्र है, जिसे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर किया जा रहा है। मगर अब अफवाहों की सत्यता करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर गायब है तो मानना चाहिए कि गायब है। तेजस्वी के अज्ञातवास और उसके बाद इस बार जो मुसीबत में बिहार को छोड़ के भागे हैं, इन तमाम रवैये से कार्यकर्ताओं में निगेटिव इमेज तो जा रहा है। आपको याद होगा वो वीडियो जिसमें हमने आपको बताया था कि तेजस्वी मिल गए हैं और कहाँ मिले हैं, तो हरियाणा के रेवाड़ी में, आप मानेंगे नहीं, उस पर राजद समर्थकों ने कमेंट्स किए, कॉल कर कर के कहा कि साहब वीडियो अच्छा था। क्योंकि अब राजद के नेता और समर्थक भी ये मान रहे हैं कि तेजस्वी का जो रवैया है वो मोटिवेटिंग नहीं है, उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन नहीं बल्कि मोरल डाउन हो रहा है। वो अब नाराज़ हो रहे हैं अपने ही नेता से, क्योंकि कार्यकर्ता तो आज भी मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा है राजद के भी कार्यकर्ताओं को बाढ़ राहत में लगे हुए, पटना में जो बारिश से पानी जमा उसमें लोगों को राहत पहुँचाते हुए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें अपने नेता तेजस्वी से एक बार शाबाशी चाहिए। वो भी ना मिले तो कम से कम तेजस्वी इस यहाँ मोर्चे पर खड़े होकर सरकार के विरुद्ध बयान तो दें, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तेजस्वी से ट्विटर तक सीमित है, फिलहाल बिहार के बाहर है। लेकिन इस पोस्ट की पड़ताल के लिए हमने पप्पू यादव से भी बात की। हम अलग अलग वीडियोस देख रहे थे पप्पू यादव की कि वो मदद कर रहे हैं। हमने पूछा कि आपने 1 करोड़ रुपया भी दिया है क्या किसी को? उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपया मैंने क्या पैसा दिया है, कहाँ से आया, क्या हुआ, ये इस पर बाद में बात करेंगे, फिलहाल ज़रूरत है जिन लोगों की, उनकी मदद कर रहे हैं। हमने उनका एक वीडियो भी देखा जिसमें वो पैसे बांट रहे थे, लेकिन वो पैसा कितना भी होगा 1 करोड़ तो नहीं होगा। बेशक पप्पू यादव लगातार खर्चा तो कर ही रहे हैं, बहुत लोग भी उन्हें समर्थन दे रहे हैं, अलग अलग संगठन भी उनके साथ आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई राशि 1 करोड़ रुपये की कहीं डिपॉजिट नहीं कराई गई जिससे एक आंकड़ा स्पष्ट हो, जिसके आधार पर ये ग्राफिक जो आप देख रहे हैं वो बनकर शेयर हो रहा है, जिसमें तेजस्वी के नाम पर 2 करोड़ लिखा है और पप्पू यादव के नाम पर 1 करोड़। हालांकि अब पटना के हर घर में पप्पू यादव के नाम की चर्चा ज़रूर हो रही है कि इस मुसीबत के वक्त में अगर किसी ने मोर्चा संभाला तो वो पप्पू यादव थे, चाहे वो पप्पू यादव के विरोधी ही क्यों ना हो, लेकिन इस बार वो उन पर कोई उनकी बुराई नहीं कर पा रहा है। इस लिस्ट में जो ग्राफिक शेयर हो रहा है उसमें तीसरा नाम खेसारी लाल यादव का था। हमने खेसारी लाल यादव से भी बात की तो उनका कहना था कि जी हम भी बंटवा रहे हैं राहत सामग्री और वो खेसारी फाउंडेशन के तहत हो रहा है, लेकिन कोई सीमित राशि नहीं है कि 15 लाख किए हों या 20 लाख किए हों। लेकिन हाँ, खेसारी फाउंडेशन की गाड़ियों को आप देखेंगे अलग अलग जगह जाकर राहत सामग्री बांटते हुए। खेसारी लाल यादव खुद उसके बाद से पटना नहीं आए हैं, वो किसी मूवी के शूटिंग में व्यस्त हैं।
लेकिन खेसारी फाउंडेशन भी काम कर रहा है, मगर ये ग्राफिक्स इसलिए झूठा साबित हो रहा है क्योंकि अमाउंट जो साफ साफ लिखा गया है 1 करोड़ 15 लाख और तेजस्वी के नाम के आगे 2 करोड़, ये महज एक झूठ है। और अगर इसका कोई प्रमाण किसी के पास भी हो तो वो कमेंट बॉक्स में या तो डाल दे या लाइव सिटीज के दफ्तर में पहुँचवा दे, क्योंकि ऐसा होता तो तेजस्वी से ठोक बजा कर जरूर कहते, वो तो अभी बहुत दूर हैं बिहार से, जब ड्रेनेज का पेपर ही खो गया है और अब लोगों को इस बात का डर सताने लगा है कि पानी निकलेगा भी कि नहीं। कंकड़बाग का पानी निकल गया है लेकिन अभी पटना के बहुत ऐसे निचले इलाके हैं जिसका पानी नहीं निकल रहा। लोगों ने हमसे ये बहुत शिकायत की कि आप लोग सिर्फ कंकड़बाग और राजेंद्र नगर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि कंकड़बाग का ड्रेनेज हो गया, राजेंद्र नगर में NDRF तैनात है, रेस्क्यू धीरे धीरे करके किया जा रहा है। लेकिन नाराज़गी भी जायज़ है क्योंकि ओल्ड गोला रोड, पाटलिपुत्रा का जो निचला इलाका है, बोरिंग रोड, गर्दनी बाग, अनीसाबाद, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं आप नाम नहीं गिन सकते जिनका ड्रेनेज जाम हो चुका है, जहाँ से पानी 1 इंच भी नहीं हिला है और लोग परेशान हैं। आपको पता है कि एक जगह अगर पानी को 7 दिन रख दिया जाए, वो भी नाले का पानी जब घरों के भीतर है, तो उसके बाद के हालात क्या होते हैं। कंकड़बाग के जिन घरों से पानी निकल गया, वहाँ साफ़ सफाई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है और ग्राउंड फ्लोर पर जितने लोग रह रहे थे उनके घरों में जो सामान का नुकसान हुआ, पता नहीं उसकी भरपाई सरकार कितना कर पाएगी। लेकिन लोग बहुत सारी चीज़ों को रखे हुए थे, संजो कर रखे हुए थे, लेकिन इस पानी ने बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं। आगे पटना वासियों में जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनके जेब में पर एक बहुत बड़ा चोट पहुंचने भी वाला है, उन सामानों को दोबारा ख़रीदने का या ठीक करवाने का जो ख़राब हो गए हैं। फिलहाल इस वायरल चेक में आप इस ग्राफिक्स को देखिए, ये ग्राफिक्स पूरी तरह से झूठा है। नेता प्रतिपक्ष आपको बिहार के सीमाओं के भीतर कतई नहीं मिलेंगे, हरियाणा में व्यस्त हैं, जीजाजी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें जिताने का मकसद है। हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के लोगों के बीच अच्छी पकड़ बनाएं, जीजा को विधानसभा चुनाव में जितवाएं और कांग्रेस की सरकार बने, तेजस्वी के जीजा मंत्री बने। बिहार बदहाल है, सरकार कुछ नहीं कर रही, जो हाल है वो आप भी देख रहे हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि यह सिलसिला कब तक चलता है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हर खबर हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो के बाद जो पूर्व के नेता प्रतिपक्ष रहे सुशील कुमार मोदी, उनको भी घेरता हुआ एक वीडियो आ रहा है, उसे भी देखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपने तेजस्वी को कहीं देखा हो या आपके पास वो 2 करोड़ रुपये जमा करने वाले दस्तावेज हों। अपना ध्यान रखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।